हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। ये शाम के 5 बजे का टाइम है, कपड़े सूख चुके हैं और मैं अभी इनको उतार के और जो तह लगाने वाले हैं उनकी तो तह लगा लगा के साथ अलमारियों में सेट कर दूँगी। बचेंगे जो प्रेस करने वाले, उनको फिर मैं कुर्सी पे एक जगह रख दूँगी, जब टाइम मिलेगा तो फिर बाद में प्रेस कर दूँगी। और काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर, प्यारी सी व्यूवर्स ने कमेंट्स किया था कि दीदी आपका कपड़े धोने का टाइम एक क्यों नहीं होता है, जैसे कभी सुबह धोते हो, कभी दोपहर में धोते हो, कभी शाम को धोते हो, ऐसा क्या है कि मतलब इनका टाइम चेंज होता रहता है? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मेरे पास समय की बहुत कमी है। और मुझे तो ऐसा लगता है, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें ना, तो समय किसी के पास भी नहीं है, समय सबके पास ही बहुत कम है। लेकिन सांसारिक जो कार्य है ना, इनमें भी मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी है मेरे पास। अब जैसे मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के फ्रेश होके नहा धो के रसोई के कामों में लग जाती हूँ, जितना हो पाता है ठीक है, फिर मेरा ठाकुर सेवा का टाइम हो जाता है। फिर ठाकुर सेवा के बाद अगर मेरे व्हाट्सएप पे ढेर सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं बिजनेस भी करती हूँ, तो उन मैसेज को रिप्लाई देना मेरी प्राथमिकता होती है, ना कि मैंने मशीन लगा रखी है कपड़ों को धो के सुखाना। ऐसे में मेरे सारे कस्टमर ये समझेंगे कि कितने टाइम से हमने मैसेज किया, हमारा रिप्लाई ही नहीं आया। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना भाई, ग्राहक देवता होता है, तो यही कारण होता है, प्राथमिकता उनको दी जाती है। इसलिए जहाँ मशीन लगाइए, कपड़े धुल रहे, उनको छोड़ दिया, उसको संभाला, उसमें कई बार 1 घंटा भी लग जाता है, इतना सारा काम आ जाता है, कई बार 1.5 घंटा भी लग जाता है। फिर पार्सल पैकिंग का काम होता है, कुछ जो रात को ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं उनको तो हम रात को ही कंप्लीट कर देते हैं, पैकिंग वगैरह करके सामान निकाल के। फिर जो सुबह आते हैं उनको भी भेजना होता है, भी साथ के साथ इनको भेजना है, तो सब सामान निकालना, उनको पैकिंग का काम करवाना, इसको भी हमें सबसे पहले करना पड़ता है। यही कारण होता है कि मेरा, जैसे मान लिया मशीन लगाई, एक बार के कपड़े मैंने धोए, टब में डाले और फिर मेरा काम निकल आया, मैं उसको करने लगी। और फिर जो हम महिलाओं के रोज़मर्रा के काम है, घर के साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, रोटी, सब्जी, परिवारजनों की सेवा, ये तो मेरा रूटीन है ही, ये तो कोई बटाने वाला है नहीं, ये तो सब करना ही करना है, मुझे अपना बिजनेस भी संभालना होता है, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है। फिर मैं जैसे मान लिया भाई टाइम मिलता है, फिर बीच में आके कपड़े धो लेती हूँ, कोई काम हो गया वो कर लेती हूँ इस तरीके से। कभी कभी तो मैं सुबह सुबह मशीन लगाती हूँ और वो कपड़े मेरे 2:30-3 बजे जाकर धुल पाते हैं। ये वाले कपड़े मैंने आज जो धोने शुरू किए थे ना, सुबह मशीन लगा दी थी और ये धुले फिर लगभग 12:30-1 बजे, तो अभी ये 5 बजे का टाइम ये सूख चुके हैं, मैं इनको उतार लेती हूँ। दिन भी काफ़ी छोटे हो गए हैं और 5 बजते हैं ना, तब ऐसा लगने लगता है बस थोड़ी देर में ही अब अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। 6 बजे तो बहुत ही देर हो जाती, बहुत देर, तो 5 बजे तो मैं लग जाती हूँ। बीच बीच में मेरा बिजनेस के व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं उनको रिप्लाई देना, किसी का जो भी काम होता है वो करना, घर गृहस्थी के काम करना, ये मेरा सब चलता रहता है। तो यही कारण होता है भाई, टाइम से मेरा एक टाइम पे मेरे कपड़े नहीं धुल पाते हैं। तो बहनों, बस आज तो थोड़ी सी ही बातचीत मैंने आप सबके साथ की है, फिर कभी बनाऊंगी बड़ी वीडियो, कभी आमने सामने बैठकर भी वीडियो बनाने का मन है, लेकिन थोड़ी समय की शॉर्टेज के कारण मैं नहीं बना पा रही हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।